प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आपको याद होगा बच्चों, हमने आपको जो पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें आपको बताया गया था कि जो आपका यूनिट नंबर 3 थी उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, वो हमने कंप्लीट करवा दिया था। बच्चों, अगर आपके याद हो, जैसे हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 3 चल रही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ठीक है। तो उसमें बच्चों, इसके अंदर हमारे टोटल, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये यूनिट हमारी बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर की होती है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा डिसाइड किया गया है बच्चों बोर्ड के द्वारा, उसमें ये हमारा 8 नंबर का जाता है। अब इसके अंदर बच्चों हमारे दो चैप्टर जाते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अगर आपके याद हो बच्चों, तो इस चैप्टर को हमने बताया था आपको कि ये लगभग लगभग आपका बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर हमारा था यहाँ पर चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये बोर्ड के एग्जाम में लगभग लगभग 3 नंबर का आपके आ जाता है, ठीक है। आप सब बात समझ आ पा रही होगी आपके। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो लगभग लगभग हम 5 नंबर का ये काम आपको करवा चुके हैं और 3 नंबर का आज बच्चों आपका ये चैप्टर चलने वाला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम इस पर जाते हैं तो ये चैप्टर नंबर हमारा 4 होता है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर हमारा बच्चों कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा चलने वाला है बच्चों वो चलेगा आपका चैप्टर नंबर 5। और इस यूनिट के अंदर बात करें तो इस यूनिट के अंदर 2 ही चैप्टर होते हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य, इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका 3 नंबर के लिए। इसके 2 लेक्चर होंगे बच्चों आपके, अगर आप ये दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपके 100% 3 नंबर इस चैप्टर से आ ही जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसका आज लेक्चर नंबर 1 जाएगा। इसके टोटल हमारे 2 लेक्चर होने हैं बच्चों आपके, तो अगर आप दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% कितने मार्क्स बताए मैंने आपको, 3 मार्क्स आपके गारंटी के साथ में आ जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। आप चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो बच्चों आज का पहला हेडिंग जाएगा आपका, आज का जो हमारा बच्चों पहला हेडिंग जाने वाला है, इसमें हमारा हेडिंग जाएगा आपका भू चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बताने के लिए नॉर्मली हमको 3 अवयव चाहिए होते हैं, जिसमें यहाँ पर कहते हैं दिक्पात कोण चाहिए होता है, नति कोण चाहिए होता है, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताने के लिए बच्चों हमको क्या चाहिए, उसके बारे में बच्चों हमें बताने के लिए नॉर्मली हमें क्या चाहिए, वहां पर हमें बताने के लिए नॉर्मली एक चुंबकीय सुई की हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। एक चुंबकीय सुई की यहाँ पे हम कल्पना कर लेते हैं बच्चों, और चुंबकीय सुई की जब हम एक कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली क्या होगा बच्चों, हमारा ऐसा मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में एक चुंबकीय सुई है यहाँ पे, और उसको जब हम किसी भी स्थान पे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो नॉर्मली पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर ठहर जाती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों कि आपके पास में मान लेते कि एक चुंबकीय सुई होगी यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसके गुरुत्व केंद्र से इसको लटकाया जाता है, तो ये यहाँ पर आने के बाद में नॉर्थ और साउथ में जाकर ठहर जाती है। तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो बी लिखा हुआ है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि जब इसको गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है तो इसके ऊर्ध्वाधर तल से मिलाते जो एक पृष्ठ बनता है उसको यहाँ पर बोला जाता है भौगोलिक उत्तर, है ना। और दूसरा जो पृष्ठ बनता है इसका, उसको बोला जाता है चुंबकीय याम उत्तर। चुंबकीय उत्तर क्या देते हैं, भौगोलिक उत्तर क्या देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसके जो 2 लंबवत पृष्ठ होते हैं, जो लंबवत पृष्ठों के बीच में, या एक पृष्ठ आपको जो इसके, ये आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाला, अगर इस पृष्ठ के बारे में नाम लेता हूँ भौगोलिक यामोत्तर के बारे में, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि M ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर ये वाला L, ठीक, फिर ये वाला O और फिर उसके बाद ये वाला R। तो जो भौगोलिक यामोत्तर वाला एक पृष्ठ होगा आपके पास में वो बन जाएगा आपका M L O R, जबकि चुंबकीय यामोत्तर वाला जो पृष्ठ बनेगा आपका बन जाएगा आपके पास में P O R और Q, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं बच्चों कि जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के जो भूचुंबकत्व के अवयव होंगे यहाँ पर 3 अवयव हमको बच्चों चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला जो अवयव हमारे पास में होता है बच्चों,
इसके तीन पार्ट होते हैं। तो पहला जो हमारे पास में होता है दिक्पात कोण होता है, ठीक है। और दिक्पात कोण को बच्चों हम अल्फा से दिखाते हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास में होता है बच्चों नति कोण या नमन कोण, ठीक है, या नमन कोण। तो नॉर्मली बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो नॉर्थ और साउथ में आकर ठहर जाती है, तो उसके उत्तरी ध्रुव से मिलाते हैं और भौगोलिक ध्रुव से मिलाते हैं जो पृष्ठ बनते हैं, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। तो जो हमारा पहला हेडिंग होता है बच्चों वो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला जो अल्फा बना हुआ है, ये वाला जो यहाँ पे बच्चों अल्फा बना हुआ है, ये वाला जो अल्फा बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। और ये क्या होता है बच्चों आपका दिक्पात कोण होता है, ठीक है। परिभाषा क्या बन जाती है बच्चों इसकी, कि भौगोलिक यामोत्तर किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को जब लटकाया जाता है तो भौगोलिक यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर बीच बने कोण को यहाँ बच्चों में क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। उसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा है इसकी, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे चुंबकीय सुई को हम यहाँ पर लटकाते हैं तो उसके यहाँ पर घटक कली आते हैं, जो कि हमारा जो बीज आता है बच्चों, यहाँ पर आपका बीज जो यहाँ पर ये आपका जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। ई फॉर अर्थ यानी कि पृथ्वी के लिए, बेस में ये जा रहा है ना, यहाँ पे लिखा है बच्चों बी और बेस में लिखा हुआ ई, तो बी यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके दो घटकों में इसको विभाजित कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वी वी यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। वी यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक है आपका ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एच, एच यानी कि होरिजेंटल, होरिजेंटल यानी कि क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक आपका ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। तो नॉर्मली हमारा जो नति कोण जाता है बच्चों, आपका नति कोण कह दो या नमन कोण कह दो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब चुंबकीय सुई लटकाई जाती है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्षैतिज घटक यानी कि एच के साथ जो कोण बना रहे वाला, ये देख पा रहे हो ना बच्चों आप, ये जो कोण बनाते हैं उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कोण को यहाँ पर बच्चों कहते हैं नति कोण या नमन कोण। यहाँ तक बात समझ आ पा रही होगी आपके, नति कोण या नमन कोण क्या हो गया, कि जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से लटकाया जाता है तो उसका जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज घटक के यानी कि एच के साथ जो कोण बनाता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है बच्चों, नति कोण या नमन कोण कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है बच्चों। तो अगर आप देख पा रहे होंगे भूचुंबकत्व के अवयव जो होते हैं हमारे तीन होते हैं। नॉर्मली अभी हम दो अवयव के बारे में बात कर चुके हैं, एक दिक्पात कोण के बारे में बता चुके हैं आपको, दूसरा नति कोण या नमन कोण के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आ जाती है बच्चों, तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है, कि तीसरा पॉइंट होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो उसको देखिए बच्चों क्या होता है। तीसरा घटक बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों तो क्षैतिज घटक जो जाएगा बच्चों आपका वो एच जाएगा, ये वाला एच जाएगा, ठीक है। ये वाला आप देख पा रहे हो बच्चों यहाँ पे, तो ये वाला जो आपका है वो एच जाएगा, ठीक है। तो इस एच की वैल्यू को निकालनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो थीटा के समानांतर भुजा क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपकी
थीटा के सामने भुजा बन जाएगी लंब, है ना, यानी कि ये जो बन जाएगी आपकी लंब, और ये वाली बन जाएगी आपकी आधार। ठीक है, तो एक तरीके से आपको आधार निकालना होगा बच्चों यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो उस केस में हमको निकालना होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब उसको फॉर्मूले से देखते हैं तो जो यहाँ पे क्षैतिज घटक जाएगा आपका, क्षैतिज घटक जो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, क्षैतिज घटक जो जाएगा वो आपको एक वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एच बराबर आपका चला जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका वो बी ई कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला, कि कॉस बराबर आपका होता है बच्चों यहाँ पे आप जानते होंगे कि कॉस बराबर आपका होता है, कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है बच्चों, आधार आधार, ठीक है, बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आधार आपको हो जाएगा h और कर्ण आपको हो जाएगा b, तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालते हो तो क्या बन जाती है, b cos थीटा। तो नॉर्मली हमारे पास में जो क्षैतिज घटक आया उसे इक्वेशन नंबर एक मान के चल लेंगे और आपका काम यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि किसी स्थान पूछ रहा था कि पृथ्वी का कुल या संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए आपको उस केस में यहाँ पर बच्चों आपको बी ई की वैल्यू बतानी होगी कि बी ई की टोटल वैल्यू कितनी है। ये क्वेश्चंस करने में मदद करता है बच्चों, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला इसका बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और साथ में ये पूछ लेता है कि किस दिशा में काम कर रहा है, यानी कितने एंगल पर काम कर रहा है। तो कितने एंगल का काम करना मतलब थीटा की वैल्यू पूछ लेगा कि नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है। तो जिस तरीके से बच्चों आपने क्षैतिज घटक के बारे में बता दिया उसी तरीके से वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों आपके, देखिए ऊर्ध्वाधर कैसे वैल्यू निकल के आएगी इसके यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर जब घटक निकल के आपका आएगा तो आपका v बराबर आपका निकल के आ जाएगा बच्चों वो बी ई साइन थीटा, इसे क्वेश्चन नंबर दो मान लेंगे। ठीक है, वो वाला फॉर्मूले से आप जानते होंगे साइन बराबर आपका हो जाता है लंब बटे कर्ण से। तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर एक इक्वेशन नंबर दो, और अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आ चुकी है तो आप देख सकते हैं इसमें तो हमारा सिंपल सा क्या हो गया कि किसी स्थान पर अगर पृथ्वी के चुंबकीय यानी कि भूचुंबक द्रव्यों के बारे में बताना तो आपको तीन अवयव चाहिए, नंबर एक दिक्पात कोण चाहिए, नंबर दो नति कोण चाहिए, नंबर तीन आपको किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक चाहिए यानी कि एच की वैल्यू आपको चाहिए। तो फिलहाल तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं बच्चों वो काम कर रहे हैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो उस केस में जैसा आप जानते होंगे यहाँ पे अभी हमारा पीछे आ चुका है, पीछे जैसे भी हमारा आया है यहाँ पे एच बराबर, एच यानी कि आपका आया क्षैतिज घटक बी ई कॉस थीटा, इसे इक्वेशन नंबर एक मान लेता। दूसरा आपका आया ऊर्ध्वाधर घटक बी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर दो मान लेंगे इसे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, समीकरण दो को भाग कर देंगे एक से, यह भाग बाद में करेंगे बच्चों, पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण एक का कर दो वर्ग प्लस समीकरण दो का कर दो वर्ग, यानी कि एक और दो का वर्ग करके आपस में इनको जोड़ना है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप बी को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका चला जाएगा एच स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जानते होंगे साइन स्क्वायर डेटा प्लस कोस स्क्वायर डेटा की वैल्यू वन हो जाती है, तो यहाँ से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो आपका बच जाएगा केवल बी ए का स्क्वायर इंटू वन इजिकल टू आपका जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और बी ई बराबर कितना जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो वैल्यू निकल कर आई आपकी समीकरण तीन किसी भी स्थान पर आपका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, परिमाण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समीकरण नंबर एक क्या क्षैतिज घटक के लिए। ठीक, दूसरा उसके बाद यहाँ पे क्या काम करेंगे
उसके बाद क्या काम करेंगे यहाँ पे बच्चों, कि जो आपके समीकरण दो थी, समीकरण जो दो थी उसको भाग कर देंगे आप एक से, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या निकल कर जाती है आपकी, तो बी ई साइन थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा इजिकल टू वी अपॉन एच निकल कर जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टैन थीटा इजिकल टू आपका वी अपॉन एच, और यहाँ से थीटा वाला कितना आएगा टैन इन वर्स वी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ चुकी होगी, इस समय का नंबर चार मान के चल लेंगे। तो इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी समीकरण नंबर चार आई है किस स्थान पर, वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी, किस एंगल से जा रहा होगा या कितनी दिशा पे जा रहा होगा, नतिकोण की वैल्यू बताएगी। तो समीकरण नंबर एक होगी क्षैतिज घटक के लिए, समीकरण तीन होगी आप, समीकरण दो होगी आपकी ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यानी कि वर्टिकल, और ये आपका हॉरिजॉन्टल, और तीसरा आपका जो होगा बच्चों समीकरण नंबर तीन वो आपकी हो जाएगी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस स्थान पर कितनी परिमाण उसका होगा, और समीकरण नंबर चार बताएगी दिशा, ठीक है। अगर यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो जाती है तो उसमें आपको एक अगला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर या ध्रुव पर नतिकोण या क्षैतिज घटक का मान कितना होता है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों ध्यान देंगे आप इस पे कि मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे एक पृथ्वी है यहाँ पे, जैसे हमारे पास में बच्चों ये वाली पृथ्वी आ चुकी है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि पृथ्वी होगी वाली। अब इसमें अगर ये पृथ्वी हमारे पास में है तो यहाँ पे कुछ लाइनें हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते दो लाइनें हम ड्रॉ कर लें अगर यहाँ पे, तो ये वाली जो लाइन होगी बच्चों हमारी, हम इसको मान के चल लेंगे कि हमारी ये इसकी अक्ष हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइन बच्चों हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ये वाली, ठीक, इस तरीके से मान के चल लेते हैं कि आपके पास पृथ्वी हो जाएगी, है ना, तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा, और ये जो आपका हो जाएगा वो ध्रुवीय अक्ष हो जाएगी, ठीक, ये आपकी ध्रुवीय अक्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों की भूमध्य रेखा, या अगर हम इसमें डायरेक्शन शो कर दें यहाँ पे बच्चों आपकी ये वाली, तो हम इसमें कह सकते हैं कि आपका नॉर्थ हो जाएगा ये वाला, आपका साउथ हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, या आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर एक आपसे पूछा जाएगा पहले कि भूमध्य रेखा पर नतिकोण का मान कितना होता है और क्षैतिज घटक का मान कितना होता है, नंबर एक आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा बच्चों, नंबर एक पूछा जाएगा कि नतिकोण कितना होगा, कैसे पूछा जाएगा, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। एक तो नतिकोण के बारे में पूछा जाएगा आपसे कि वैल्यू कितनी होगी इसकी, ठीक। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे क्षैतिज घटक के बारे में, क्षैतिज घटक के बारे में। तो आप ये देख लीजिए कि जब मान लो हमारी जो चुंबकीय सुई थी बच्चों आपकी, उसमें अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास जो चुंबकीय सुई थी आपकी वो कुछ इस तरीके से रही हो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रही हो आपके पास में यहाँ पे, है ना, वो कुछ इस तरीके से रही हो, ठीक है। तो जिसका यहाँ पे हम जानते कि नॉर्थ पोल हो जाएगा, मान के चलेंगे यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये वाला साउथ पोल हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर प्रीवियस अगर आपके याद आ रहा हो कि जब हम इसको लटकाते हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल जनरेट हो जाता है, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं, तो उस केस में अगर यहाँ पे देखें तो थीटा, ये एंगल अगर लाइन से इसको ऐसे लटकाते हैं, मतलब ये जो लाइन हमारे पास में जाती है अगर ये तिरछी हो जाती है इस तरीके से, तो एंगल जनरेट होगा ना, लेकिन अगर ये इसको ऐसे ना मिला के ये ऐसे हो जाए तो उस केस में हमारे पास में कोई एंगल नहीं आएगा,
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो नती कोण की जो वैल्यू होगी 0 डिग्री हो जाएगी। तो नती कोण आप ध्यान रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नती कोण का मान भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो क्षैतिज घटक का मान कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि जो क्षैतिज घटक हमारा आया था एच बराबर आपका आया था बी ई कॉस थीटा। तो जैसी वैल्यू हम यहाँ पे बच्चों 0 रखेंगे तो आप जानते हैं कि बी ई इज इक्वल टू कॉस 0 रखा जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो उस केस में आपका आ जाएगा एच बराबर बी ई। तो आप इस बात को याद रखेंगे, भूमध्य रेखा पर नती कोण का मान होता है बच्चों 0 डिग्री, और क्षैतिज घटक का मान होता है अधिकतम बी एच यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी आपके, अगर ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है आपके तो दूसरे वाले केस में बच्चों हम क्या काम करेंगे। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय अक्ष पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ध्रुवीय अक्ष पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्रुवी या ध्रुव पर अगर हम बात कर रहे हैं ध्रुव पर, तो पहला तो हमारे पास में ये जाएगा कि नति कोण की वैल्यू कितनी होगी, नति कोण का मान कितना होगा। तो नति कोण का वैल्यू होगी बच्चों 90 डिग्री, जो कि आपका अधिकतम होगा, नति कोण होगा आपका अधिकतम। ठीक है, वैल्यू कैसे चलेगी पता, कि जब आपके पास में जैसे आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर था ना ये, तो अगर आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरीके से कंसिडर कर लें अगर आप इसको कि ये आपके पास में यहाँ पे इस तरीके से रहा हो, ठीक है, अभी जब इस तरीके से रहा होगा बच्चों आपके सामने ये वाला, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो नति कोण बनेगा आपका इस तरीके से जो बनता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपकी 90 डिग्री आ जाती है, और जब 90 डिग्री आ जाती है तो आप जानते हैं कोस 90 की वैल्यू 0 जाती है। तो उस केस में यहाँ पर आपका जो क्षैतिज घटक जाएगा, क्षैतिज घटक वो एच की वैल्यू कितनी चली जाएगी बच्चों, 0। तो ये दो बातें याद रखेंगे आप, नंबर एक ध्रुवो पर नति कोण होता है अधिकतम थीटा बराबर 90 डिग्री, और क्षैतिज घटक होता है 0। जबकि अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर तो नति कोण का वैल्यू होती है 0 डिग्री, और क्षैतिज घटक होता है आपका अधिकतम बी ई यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी हमने जो बच्चों पढ़ा है उस पर रिलेटिव हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको इन्हीं फॉर्मूले से उन क्वेश्चन को करना होगा। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों पहला सवाल है आपके सामने वाला बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सवाल आया हुआ है, ठीक है, कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एच बराबर आपका वी है। ठीक है, तो उस स्थान पर नतिकोण यानी कि थीटा बताना है कितना होगा। तो अगर आपके याद हो बच्चों एक फॉर्मूला भी हमारा आया था निकल के यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच, ये फॉर्मूला निकल कर आया था ना यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच। तो जब ये वाला फॉर्मूला बच्चों हमारा निकल कर आया है तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ पा रही होंगी बच्चों आपके। चलिए वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो बताइए वी का मान तो दही नहीं रखा हमसे, बस ये कहा है कि H और V दोनों बराबर हैं, तो V को V छोड़ देंगे और H की जगह भी हम बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, V रख देंगे। अब जब V से V को काटा जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा, तो tan की टेबल में 1 किसका मान होता है बच्चों, tan की टेबल में 1 वैल्यू होती है tan 45, है ना। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, है ना, तो इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो 45 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब किसी स्थान पर यदि H और V बराबर है तो उस स्थान पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में बच्चों आपसे कहता है कि पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, क्या बोला उसने, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि V क्षैतिज घटक यानी कि H का रूट थ्री गुना है, इस स्थान पर नतिकोण यानी कि थीटा बताना है कितना होगा। अभी तो बताया था फॉर्मूला आपको, क्या फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू v अपॉन h। तो अब यहां पर v का मान आप यहां रख देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू रूट थ्री एच अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया। अब बताइए कि tan थीटा में, सॉरी जो tan की टेबल होती है उसमें रूट थ्री वैल्यू
कितने एंगल पर बनती है? तो आप जानते होंगे 60 डिग्री एंगल पर बनती है, तो अब यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, टेन 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में अगर हम यहाँ पर जाते हैं बच्चों, तो आपसे अगले सवाल में कहता है बच्चों आपसे कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि एच दे दिया आपको यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो आपको दे रखा है बच्चों एच बराबर 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो नती कौन दे दिया आपको, इतना 30 डिग्री है। तो संपूर्ण, देखिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण यानी कि बी ई बताना है आपको, ठीक है। जब आपको बी ई बताना होगा बच्चों, तो आपको याद आ रहा हो तो हमारे पास में दो फॉर्मूले थे, यानी कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका कि आप यहां से थीटा मतलब टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच लगा के यहाँ से आप वी का मान निकाल लीजिए, और वी का मान निकालने के बाद उसके मान को समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, या आप सीधा सीधा इक्वेशंस कौन से लगा लीजिए, आप सीधे सीधे इक्वेशन ये 1 लगा लीजिए, ठीक है। जैसे हम सीधे सीधे इक्वेशन 1 लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 लगाने पे क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका आया था यहाँ पे बी ई कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बी तो चाहिए, तो जब बी ही चाहिए मेरे को तो क्या वैल्यू निकल गया, बी इज इक्वल टू एच अपॉन में कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर जाएगी 0.3 × 10⁻⁴ अपॉन में जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो आपका जाएगा 0.3 × 10⁻⁴ अपॉन में √3/2। अब 2 चला जाएगा ऊपर, है ना, तो वैल्यू बन जाएगी 0.6/√3 × 10⁻⁴, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें आपका आंसर यहाँ पर ऐसा कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसको मैच नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करना होगा बच्चों, यहाँ पे हमें क्या काम करना होगा, ऊपर नीचे यहाँ पे आप अपने पास से क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे √3/√3 से गुना कर दीजिएगा। जब गुना कर लेंगे नीचे तो √3/√3 बन जाएगा आपका 3, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.6/√3 × 10⁻⁴। अब 3 से इसको काट देंगे तो 0.2 बचेगा, ठीक है, 3 × 6 हो जाएगा ना। तब देखिए तो 0.2 × √3 की वैल्यू हो जाती है बच्चों, आप जानते होंगे कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उस वैल्यू का रख देंगे 1.732 × 10⁻⁴, ठीक है। अब गुना कर देंगे इसके यहाँ पे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 4 × 8 से लगा 1, 2 = 1, 2 + 1 = 3, तो 3 चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 और 1 = 4, 4 अंक बार लग जाएगा 0, 10⁻⁴ जाएगा 4। चेक करेंगे यहाँ पर अभी कोई ऐसा आता है, तो यहाँ पर अभी भी कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे 3.4 जा रहा है, -5 पावर जा रहा है, तो यहाँ पे 10 से गुना भाग करने के बाद में क्या बन जाएगा आपका, 3.4 × 10⁻⁵ बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका देख पा रहे होंगे कि यहां से हमारा इसका फोर्थ पार्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आपको सवाल हमारे समझ में आ रहे होंगे, आप इन सवालों को कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताया था कि नती कोण सब क्या समझते हैं, नती कोण की परिभाषा, ठीक है। तो अभी आपको बताते हैं स्टार्टिंग में ही, यहां पर नती कोण हमारे यहाँ पर जा रहता है कि पृथ्वी की जो जब उसको गुरुत्वाकर्षण से लटकाते हैं यहाँ पर, तो क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसी को यहाँ पर नती कोण या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बच्चों अपना आप करेंगे, और फिर उसके बाद दिक्पात कोण, अभी आपको बताया दिक्पात कोण क्या था, कि दिक्पात कोण भी आपको बताया दिया गया था कि नती कोण सॉरी भौगोलिक ज्यामितीय और चुंबकीय ज्यामितीय के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में कहते हैं पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वी
36 घटक का रूट 3 गुना है तो उस समय नतिकोण का मान कितना होगा। थीटा की वैल्यू पूछ ली कितनी होगी, ठीक है, थीटा पूछ लिया नतिकोण कितना होगा, तो वैल्यू अभी फॉर्मूला क्या बताया था आपको, tan θ इज इक्वल टू v अपॉन में h, ठीक है, v की जगह रख देंगे रूट थ्री और यहाँ पे h ऐसे h कैंसिल हो जाएगा। रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी, किसकी होती है बच्चों, tan 60 डिग्री की, तो यहाँ पे आपका जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो ये सवाल आपका ऐसा हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, आप ये सवाल बच्चों अभी हम कर चुके हैं, किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि h बराबर अगर आपके पास में v हो, ठीक है, तो नतिकोण कितना होगा। अभी आपको समझाया था ना बच्चों यहाँ पे हमने, देखिए आपको समझाया था बच्चों हमने यहाँ पे कि जहां पर यह रहा सवाल, 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर तो 45 डिग्री आता है, ठीक है, यही सवाल आपका यहाँ पे चला जाएगा, आपका ये सवाल आपका यहाँ पर आ गया, तो उसका आंसर डायरेक्ट कितना चला जाएगा, 45 डिग्री एंगल आप इसको अपना आप कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसको कर लेंगे अपने हिसाब से। अब आगे कहता है बच्चों, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, संपूर्ण यानी कि बी, 5×10⁻¹⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा उस स्थान पर नति कोण का मान थीटा इक्वल टू आपको दे दिया 60 डिग्री, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक यानी कि बताना आपको h, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि आपको बताना है v कितना होगा, ठीक है। तो जब आपको h और v बताना है बच्चों, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी आई थी, ठीक है, h बराबर क्या आया था आपका, v cos थीटा, h बराबर देखें यहाँ पे तो 5×10⁻¹⁵ यहाँ पे रखा जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी जाएगी, 5×10⁻¹⁵ 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इससे इसको काट देंगे तो कितना कट जाएगा 2.5, तो आपका जाएगा h बराबर 2.5×10⁻¹⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका h निकल कर आ चुका है, ठीक। अब अगर यहाँ पे आपका h निकल के आ चुका है बच्चों आपका, तो यहाँ से v बताने के लिए आपको क्या काम करना होगा, अगर आपको v बताना है तो आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, पहला तो आप ये वाला लगा सकते हैं, मैं एक ही लगाऊं tan θ इज इक्वल टू आपको लगा सकते हैं यहाँ पे v अपॉन h लगा सकते हैं, ठीक है, तो जब v निकालना होगा तो h tan θ जाएगा आपका, पर h की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 2.5×10⁻¹⁵ और tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी चली जाएगी आपकी यहाँ पे 2.5√3 into में 10⁻¹⁵, इसको सॉल्व कर लेना बस बच्चों, आपको अपना आप इसको कर लेंगे, ठीक है, तो उसका मात्रक भी क्या चलेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक बात बच्चों आपको समझ में आ चुकी होगी कैसे सवाल का आंसर आपको करना होगा, ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस हमारा ये लेक्चर नहीं रहेगा, कल आपको जो नया लेक्चर दिया जाएगा आपको, ठीक है, उसमें आपको बारे में बताया जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे बात की जाएगी, उनके गुणों के बारे में बात की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।